पिछले हफ्ते शनिवार को नागपुर शहर के सीताबर्डी थाना क्षेत्र के रामदासपेट इलाके में SBI बैंक के ATM में चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि आरोपी का कोई सुराग नहीं था, इसलिए पुलिस ने इलाके के 100 से अधिक CCTV कैमरों से सैकड़ों घंटे के फुटेज की जाँच की, तब जाकर पुलिस को आरोपी का सुराग मिला। उसके बाद थाना स्टाफ ने करीब 3 दिन तक आरोपी की तलाश की और उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। गौरतलब है कि आरोपी ने बिना ATM मशीन में तोड़फोड़ किए 5,80,000 रुपए की नकदी लूट की थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी का नाम पवन दरवाई है और वो कर्ज में डूबे होने की जानकारी सामने आई है। शनिवार दोपहर ATM में चोरी हो गई थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर ने अपनी योजना को अंजाम दिया था। पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि ATM में चोरी हो गई है, लेकिन ATM में रकम खत्म होने के बाद ATM में चोरी का मामला सामने आया। आरोपी पवन दरवाई शराब और जुए का आदी है। वो न केवल कर्ज में डूबा हुआ है, बल्कि उसने शौक पूरा करने के लिए अपनी बाइक और मोबाइल फोन भी गिरवी रख दिया है। पवन ने उसी ATM मशीन का दरवाजा खोला और उसमें से 5,82,000 रुपए लूट लिए। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि बिना किसी तोड़फोड़ के पैसे कैसे चुराए गए। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।